हर माता पिता अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। बच्चे के जन्म के बाद भी स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ गर्भावस्था आवश्यक है। गर्भ संस्कार ने शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास में योगदान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त की है। गर्भ संस्कार के बारे में प्राचीन शास्त्रों में लिखा गया है और इसे आयुर्वेद में भी शामिल किया गया है। गर्भ संस्कार में मंत्रों को बड़ा ही महत्व दिया गया है। गर्भवती स्त्री मंत्रों का उच्चारण करती है या उसे श्रवण करती है तो होने वाली संतान सर्वगुण संपन्न होती है। सनातन परंपरा में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जिनकी साधना आराधना से साधक को सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिव की पूजा में जप तप और व्रत का बहुत ही महत्व है। ऐसे में देवों के देव महादेव की कृपा बरसने वाला महामंत्र हम उच्चारण करते हैं। तो आइए अपने दोनों हाथ कोमलता से अपने गर्भ पर रखें और चिंता मुक्त होकर सुने शिव मंत्र। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं
तं नमामि ॐ कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इसी तरह के गर्भ संस्कार मंत्राज सुनने के लिए हमारे चैनल उज्ज्वल गर्भ संस्कार को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।